मधेपुरा में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कार्यरत सभी सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पस असिस्टेंट लामबंद हो गए हैं। कई मांगों को लेकर वो 14 मार्च से हड़ताल कर रहे हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने ये बताया है कि सभी कर्मी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हैं और लोगों के सपने में रंग भर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अति महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का भविष्य अब अधर में है। आपको बता दें, DRCC में उन लोगों की बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से हुई है। बेल्ट्रॉन कर्मियों को चौधरी कमेटी के अनुशंसा का लाभ मिल गया, लेकिन DRCC में बहाल इन कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। इनका सेवा विस्तार हर 11 महीने पर किया जाता है, जिससे इनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है, जबकि अन्य बेल्ट्रॉन कर्मियों का कार्यकाल 60 वर्ष कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का ये साफ तौर पर कहना है कि DRCC कर्मियों का एक महीने का वेतन सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा जाता है, जबकि किसी भी विभाग में ऐसा प्रावधान नहीं है। अल्प वेतन पर बहाल इन कर्मियों को 2021 में एक मुश्त स्थानांतरण किया गया, जिसमें अधिकांश कर्मियों का स्थानांतरण घर से 200 से ज्यादा, आपको बता दें कि 400 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिससे परिवार और कार्यालय, आपको बता दें कि यह मांग है, उसके लिए हम सरकार के समक्ष हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी यह 4 दिवसीय हड़ताल है। अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हड़ताल खत्म होगा, अन्यथा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अगर मांग पूरा नहीं होता है तो यह अनिश्चितकालीन जाने का संभावना है। अभी हमारी मांगे मुख्य है कि नियमितीकरण किया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा, ट्रांसफर जो है सभी कगरी जिला के नजदीक किया जाए। देखिए, हम लोग का एक्चुअली 5 मांग है। हम लोग यहाँ पे DRCC में जो है 2016 से जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले साल जो है 2021 में जो है एक मुश्त जो है काफ़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का जो है यत्र तत्र जो है जहाँ मन जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लगभग 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में, जिस कारण से दूर के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और भी हम लोग का डिमांड है, जैसे कि हम लोग का सैलरी का जो है का समस्या है, उसके बाद जो है छुट्टी की समस्याएं हैं, नियमितीकरण का समस्या है। अब बताइए कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, जिनकी बाल बच्चा और एज जो है लिमिट खत्म हो चुका है, उसको आप नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं कि हम संविदा कर्मी हैं, उनको हम अस्थाई कर देंगे। आप अस्थाई कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आप आश्वासन दे रहे हैं। हमारी आश्वासन इतनी बड़ी बड़ी करते करते पता चला कि बाल बच्चा ही हमारा सयान हो गया, हम लोग की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अभी हमारी मांगे क्या है, 4 दिवसीय हड़ताल चल रहा है, जिसमें हमारी मांगे जो है पूरी करने के लिए हम लोग 4 दिवसीय रख दिए हैं।